गर्मी में हो जाती एकदम चिपचिपी सी स्किन और हो जाती गले में टैनिंग। आप देख सकते हैं मेरा गर्दन भी एकदम अजीब सी हो जाती है धूप में, क्योंकि धूप में होता है टैनिंग बहुत होती बॉडी पे, बिल्कुल फेस आपका आधा ब्लैक हो जाएगा, जस्ट लाइक माई फेस, थोड़ा ब्लैक थोड़ा वाइट, मतलब पैची स्किन हो जाएगी प्लस टैनिंग हो जाएगी। तो उसको मैं आज एक नेचुरल वे में रिमूव करना बताऊंगी, और ये मेरा सालों से किया हुआ मतलब रेमेडी है, नुस्खा है, 100% कारगर है, और सारी चीजें घर में इजीली अवेलेबल है, तो लड़का हो या लड़की कोई भी करेगा उसको 100% इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा, और मेरा किया हुआ तो आप मेरी स्किन से ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए शेयर करते हैं दादी और नानी के नुस्खे जो मैं खुद भी करती आई हूँ। पहले स्टार्टिंग में खुद भी फेस वॉश नहीं यूज करती थी, यही लगाती थी, एज ए फेस वॉश मैंने इसको यूज किया है। अब मैं इसमें हल्के से चेंजेस करके आपके लिए बढ़िया सा एक्सफोलिएट स्क्रब रेडी करती हूँ आपके गले का कालापन हटाने के लिए, और ट्रस्ट मी गाइस ये बिल्कुल हट जाएगा। चलिए रेडी करते हैं। पैक बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेसन, और आप बेसन देख सकते हैं दरदरा सा थोड़ा है, और ये चने का घर में पिसा हुआ बेसन है, तो ये कुछ इस चने का मैंने पीसा हुआ है, और घर में मैं यही यूज़ करती हूँ एज ए बेसन। अगर आपके पास रेडीमेड है मार्केट का तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, मैं वो भी यूज़ कर सकती हूँ, मेरे पास जैसे कभी कभी ऑप्शन मिल जाता है तो मैं ये भी यूज़, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्क्रब बन जाता है, थोड़ा दर्द महीन कम होता है, और मार्केट का आप जानते हैं बहुत चिकना होता है, और ये चिकना थोड़ा कम होता है क्योंकि इसमें छिलके भी साफ साफ दिखते हैं। तो इसको मैंने पीस के और ये मैंने पाउडर बनाया है। अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो आप बाजार का रेडीमेड ले सकते हैं, नॉट ए बिग डील, आप ले सकते हैं आराम से, वो भी बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। और इसके अंदर जो दूसरा इंग्रेडिएंट हम डालेंगे वो है मेरा होममेड बना हुआ संतरे का छिलके का पाउडर, मैं इसमें डालूंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो मैंने अभी रिसेंटली वीडियो शेयर किया था ऑरगेंज ब्रांड का ऑरेंज पील पाउडर, वो भी बहुत ही अच्छा इफेक्टिव है, आप उसे भी परचेज कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं जो सही लगता है वो यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे भी स्क्रब करना है तो मुझे थोड़ा सा दरदरापन चाहिए क्योंकि मार्केट का थोड़ा महीन होता है, तो मैंने स्क्रब के नाते स्क्रब मुझे करना है, इसलिए मैंने घर का ही पिसा हुआ लेना सही समझा। तो ये थोड़ा दरदरा होता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी महीन नहीं होता है, हल्का सा दरदरा होता है, उसकी स्मेल वाओ माइंड ब्लोइंग। तो अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा कालापन है ना, तो आप ज़रूर ऐसा स्क्रब अपने ज़रूर अप्लाई करो एक बार। तो इसमें मैं लूँगी 1 स्पून के अराउंड लगभग ऑरेंज पील पाउडर, जो घर का ही मैंने विंटर में बनाया है, इसका वीडियो मैंने शेयर किया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है वो है लेमन। लेमन ना गाइस कालापन हटाने के लिए रामबाण का काम करता है। तो एक लेमन मुझे, आधा लेमन से काम चल जाएगा। और मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, ये हल्दी जो है ये एल्फ गुडनेस की जो आती है वाइल्ड टर्मरिक करके है, ये वो वाली हल्दी है। आप चाहो तो घर की भी हल्दी यूज़ कर सकते हो, मैं घर की भी हल्दी यूज़ कर सकती हूँ, मेरे पुराने वीडियो में आप देखेंगे मैं घर की ही हल्दी यूज़ करती हूँ, ये भी रिसेंटली मैंने परचेज किया है, तो मैंने कहा इसको भी यूज़ करके देखना ही चाहिए कि ये कैसी। तो ये है एल्फ गुडनेस का वाइल्ड टर्मरिक पाउडर मैंने इसमें लिया है। आप चाहो तो दूसरी घर की हल्दी भी यूज़ कर सकते हो, ऑप्शन घर की हल्दी भी फ़ायदा करती, जो लोग बोलते हैं नहीं फ़ायदा करती ना, झूठ बोलते हैं, क्योंकि घर की हल्दी भी फ़ायदा करती है। मैं बचपन से घर की हल्दी लगा रही, इवन मैं अपने बच्चों को भी घर की ही हल्दी लगाती हूँ। और जो लास्ट इन्ग्रीडियंट्स में लेमन के साथ ऐड करेंगे वो थोड़ा सा शहद, इसमें डालेंगे 1 चम्मच हनी, आपके पास जो भी हनी अवेलेबल हो आप लगा सकते यूज़ कर सकते हो, ये मतलब ओरिजिनल वाला हनी है, ये देखिए मैं को दिखा देती हूँ, ये मतलब ओरिजिनल वाली हनी है छत्ते वाली, तो इसलिए इस डिब्बे में रखी पतंजलि के, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। और जानते फेस के लिए कितना अच्छा है, दाग धब्बे दूर करने के लिए, स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए शहद बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप शहद नहीं डालना चाहते तो इसमें आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा दही, हाँ गाइस इसमें मिलाऊंगी मैं थोड़ा सा दही, तो चलिए दही मिक्स करते हैं। दही आप देख सकते हैं गाइस मैंने पैकेट वाले लिए, अमूल की दही है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगी कौन सी यूज़ करें, कोई भी यूज़ कर सकते हैं घर की पैकेट की, मेरे आज ही पैकेट आए तो मैं पैकेट का यूज़ कर रही हूँ अभी, इसी को मैं जमा के, अगर मैं कल वीडियो बनाती तो मैं घर की जमी दही यूज़ कर सकती। तो मेन जो मेरा बेसिक इन्ग्रीडियंट है बेसन, संतरे के छिलके का पाउडर, हल्दी, दही, और नींबू का काम लास्ट में है, तो उसको मैं अभी नहीं यूज़ करूँगी। नींबू क्या काम है मैं लास्ट बताऊँगी, पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। ये देखिए पैक मेरा रेडी हो गया। अगर बहुत ठीक हो जाता सपोज़ तो हल्का सा रोज़ वाटर या पानी मिक्स कर सकते हैं, मैंने हल्का सा पानी मिक्स किया है। तो चलिए इसको फेस और नेक पर अप्लाई करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि लास्ट में क्या करना है। तो फेस पैक मैं अपने चेहरे पर अप्लाई करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये आपको स्प्रेडली अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है,
तो ये कई लोग होते हैं ना कि चेहरे पर लगाते हैं, गले पर लगाते हैं, तो हमें गले का भी कालापन हटाना। और सबसे बड़ी बात गाइस, अंडर आर्म्स का भी कालापन आपको दूर करेगा अगर आप इसे रेगुलर लगाते हैं डेली। थोड़ा काम मेहनत है लेकिन काम करेगा, 100% काम करेगा। जो कालापन जम जाता है और बदबू आने लगती, स्मेल आने लगती, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी गाइस, और 100% काम करेगा। बस आपको करना क्या है, ये मैंने अप्लाई कर लिया अच्छे से पूरे नेक पे। हाँ ये फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है। हाँ फेस को हफ्ते में जरूर एक बार स्क्रब करें, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल। वैसे लोग दो बार बोलते हैं बट एक बार सफिशियंट है। अगर आपकी ज़्यादा वैसी है, मतलब लगता है कि दो बार करने जरूरत है, तब कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं, टू इज इनफ। ऐसे अच्छे से मैं पूरे नेक पार्ट में अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। इसी पैक को आप सेम आप अंडर आर्म्स पे, थाइस एरिया पे, आपको जहाँ जहाँ ब्लैकनेस लगती है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। पैरों पे जो स्लीपर्स के निशान पड़ जाते हैं उस पे भी अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे धीरे धीरे। तो ये मेरा रेडी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है एज इट इज। वेदर जो मॉइस्चर वाला है तो सूखेगा नहीं पैक, इट्स इम्पॉसिबल, स्वेटिंग बहुत होगी, लेकिन 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है एज इट इज। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको 15 मिनट्स बाद बताऊंगी। तो मुझे 15 मिनट्स हो चुके हैं और बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ है क्योंकि स्वेटिंग भी बहुत हो रही साथ में। तो लास्ट जो हमें काम बचा है वो है लेमन। लेमन का जो जूस था वो मैंने पी डाला पानी में डाल के, वो भी इंटरनल ब्यूटी भी बहुत ज़रूरी है। पेट साफ होगा तो जाहिर सी बात है स्किन ग्लो करेगी। तो वो नींबू तो मैं पी गई नींबू पानी के साथ। अब पता छिलका जो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस इस लेमन के हेल्प से हमें स्क्रब करना है, बहुत स्लोली स्लोली मसाज करना है। तो जो भी कहीं हमारे फेस पे दाग धब्बे या कालापन होगा वो इजीली रिमूव हो जाएगा। आपको फर्स्ट वॉश में ही गाइस बिल्कुल इफेक्ट देखने को 100% मिलेगा। ये मेरा खुद का के एक्सपीरियंस है, अपने हस्बैंड पे भी किया, अपने बच्चों पे भी करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे आपको इजली इजली करना है, जहाँ आपको लगे ज़्यादा कालापन है वहाँ अच्छे से आपको स्क्रब करना है। ऐसे आपको अच्छे से रगड़ना है, सेम एज इट इज आपको अंडर आर्म्स भी रगड़ना है इसी लेमन के थ्रू। और आप बिलीव करेंगे अगर आप कंटिन्यू एक हफ्ता भी करते हैं ना, एक हफ्ता तो छोड़ो, 3 दिन में आपको रिजल्ट दिख जाएगा अंडर आर्म्स में। काले पैचेस एकदम हट जाएंगे और साथ में न्यू वाली पीते ना तो स्मेल भी गायब हो जाएगी। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है संतरे के छिलके के पाउडर की और लेमन की। अपनी आईज को बचा के अपनी और गाइस इससे बिल्कुल भी इचिंग नहीं होती है। लोग कहते हैं लेमन के से इचिंग होती है, तो लेमन के रस से इचिंग होती है, जूस से मुझे भी होती है अगर मैं लेमन का जूस डायरेक्ट अप्लाई कर लूँ। बट इससे आपको इचिंग नहीं होगी क्योंकि उससे ही पहले मैंने बहुत ढेर सारे इंग्रेडिएंट ऑलरेडी अपने फेस पे अप्लाई किए हैं। तो इससे आपको इचिंग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी नहीं। तो इससे अच्छे से रगड़िए यहाँ पे, यहाँ पे हमारे मोस्टली कालापन रहता है तो हमें अच्छे से साफ करना है। जहां जहां हमें लगता है कि कालापन हो सकता है, जैसे मेरा पिगमेंटेशन है, तो मैं अच्छे से मसाज करूंगी कि मेरा पिगमेंटेशन लाइट हो जाए। और गाइस यही सब करने से ना मेरा पिगमेंटेशन आज तक फैला नहीं, उतना ही कि उतना है। तो एटलीस्ट 10 मिनट तक आपको ऐसे मसाज करना है और 10 मिनट के बाद आपको फेस वॉश करना है। और मैं चली अपना फेस वॉश करने, उसके बाद आपको मिलती हूँ और दिखाती हूँ अपना फेस और उसके बाद क्या करना है यही बताती हूँ। ये मैं आ गई फेस वॉश करके और ये देखिए, अगर आप कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे तो आपका फेस इवन टोन हो जाएगा और जो कालापन होता है वो बिल्कुल भी रिमूव हो जाएगा। ट्रस्ट मी, पर जरूर अप्लाई करिएगा तो आप कहेंगे कि हाँ श्वेता ये काम कर गया। अब इसके बाद आपको फेस पे कुछ लगाना है तो मैं लगाऊंगी एक सीरम लगाऊंगी मैं सीरम लगाऊंगी एक और कोई भी आपको मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है तो मैं भी चली सीरम लगाने गीता सिम सिम। इसका रिव्यू मैं जल्दी दूंगी, बहुत खूबसूरत है यार, इट्स ब्यूटीफुल। इसका रिव्यू मैं जल्दी दूंगी, पहले मैं अप्लाई कर लूँ इसको।
ऐसे आपको कुछ ना कुछ अपने फेस पे जरूर अप्लाई करना है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो टाटा बाय बाय।